है फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा राइस, जो बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ज़ीरा राइस को मैं किस तरह से बनाने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे राइस। तो ये कच्चा बासमती है, मैंने एक ग्लास राइस लिया है और इसको तीन चार पानी में खूब अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था। उसके साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा सा हरा धनिया, एक टेबलस्पून ज़ीरा, दो तेज पत्ते या बे लीफ, छोटे छोटे दो तीन दालचीनी के टुकड़े, सिनेमन स्टिक, तीन लौंग और दो छोटी इलायची। इसके साथ हमें चाहिए होगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। दो टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, आप लोग देसी घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है। तो चलिए फटाफट से ये ज़ीरा राइस बनाना स्टार्ट। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावलों को बॉईल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी को गर्म करने रख दिया है, पानी में अच्छा उबाल आने लग गया है। तो पानी में सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे, दो छोटी इलायची, तीन लौंग और आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और दो तेज पत्ते, इनको हम बॉईल होने देंगे और साथ ही इसमें चावल ऐड कर देंगे। और चावल को फुली कुक कर लेंगे। गाइज एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये चावल बनके तैयार होते हैं। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो राइस हमने इसमें ऐड कर दिया है, देखिए मिक्स करेंगे। ये जो हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं, इसका इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए ऐड कर दिया, साथ ही इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू का रस डालने से हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो इसे कवर कर देंगे और 1 मिनट तक पहले फुली बॉयल होने देंगे, उसके बाद इसको कवर हटा के इसको फुली कुक होने देंगे। देखिए चावलों में उबाल आ गया है, अब इसे हम ढक्कन खोल के पकाएंगे और अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे। देखिए 5-7 मिनट लगेंगे और हमारे राइस जो हैं वो डन हो जाएंगे। तो इसको कुक होने देते हैं और मीडियम फ्लेम पे पकाना है, वो 5-7 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। चावलों को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए चावल एकदम बढ़िया तरीके से पक गए हैं। अब हम इनको एक छन्नी में छान लेंगे और जो भी हमने इसमें खड़े गर्म मसाले डाले थे उनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने चावल को छन्नी में निकाल के रख लिया है और इसमें जो भी खड़े गरम मसाले थे उन्हें निकाल लिया है, और चावल को 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। तो 10 मिनट में चावल हमारे काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रोसेस के लिए मैंने कढ़ाई गरम होने रख दी है, इसमें डालेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून जो हमने ऑयल लेके रखा था, और तेल को गर्म होने देंगे। इसमें डाल देंगे ज़ीरा और ज़ीरे को क्रैकल होने देंगे अच्छे से। ज़ीरे को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है वरना ज़ीरे का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो ज़ीरे को क्रैकल होने देंगे, मीडियम फ्लेम पे करेंगे। देखिए देखते देखते ज़ीरा भी जो हमारा है वो क्रैकल हो गया है और इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ज़ीरा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। हीट को स्लो कर देंगे और राइस इसमें ऐड कर देंगे। राइस इसमें ऐड कर दिया है और बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो राइस को खूब अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ज़ीरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और हीट को स्लो रखना है एकदम। देखिए लो हीट पे मैंने ज़ीरे को और चावलों को खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है, बस हमारे चावल डन हैं। इनको ज़्यादा नहीं पकाना होता उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड होते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से मिक्स करना है गाइस, वरना हमारे जो राइस हैं वो टूट जाएंगे। तो चलिए राइस डन है, इनको सर्व कर लेते हैं।
इन चावलों को आप किसी भी तरह की दाल या सब्जी के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं गाइस, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेस्ट आता है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। मेन टाइम सिर्फ इसको बॉईल करने में लगता है। तो गाइस रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं ऐसी इजी रेसिपी के साथ फिर से तबसुम्स वर्ल्ड पे। टिल देन बाय बाय।